बॉलीवुड के दिग्गज हीरो और हीरोइन की परछाई की तरह रहने वाले उनके बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड स्टार के बॉडीगार्ड कितना कमाते हैं। नंबर 9, कंगना राणावत के बॉडीगार्ड कुमार। चर्चा में रहने वाली कंगना को भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। वैसे तो इन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, पर पर्सनल बॉडीगार्ड की बात करें तो इनके बॉडीगार्ड कुमार हैं। कंगना हर साल कुमार का जन्मदिन मनाती हैं और उनको अपने घर का सदस्य भी मानती हैं। कंगना कुमार को लगभग 90 लाख सैलरी देती हैं। नंबर 8, दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड जलाल। दोस्तों, दीपिका अपने बॉडीगार्ड जलाल को हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। जलाल दीपिका के लिए कितने खास हैं, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दीपिका और रणवीर की शादी में चाहे कोई रिश्तेदार पहुंच पाया हो या नहीं, बल्कि जलाल वहां पर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका अपने बॉडीगार्ड को सालाना 1 करोड़ रुपए देती हैं। नंबर 7, कैटरीना कैफ के बॉडीगार्ड दीपक सिंह। कैटरीना कैफ पर्सनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा भरोसा अपने बॉडीगार्ड पर करती है। दीपक सिंह कभी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। दीपक बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम बॉडीगार्ड में से पहले नंबर पर आते हैं। कैटरीना दीपक को सालाना 1 करोड़ रुपया देती है। नंबर 6, अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड प्रकाश सिंह। फिल्म सेट पर हो या फिर पब्लिक मीटिंग में, प्रकाश हर जगह अनुष्का की छाया बनकर रहते हैं और अनुष्का और विराट की शादी के बाद अभी ये इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। 2019 की रिपोर्ट्स की माने तो अनुष्का अपने बॉडीगार्ड को सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपया देती हैं। नंबर 5, अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड श्रेयस थैले। अक्षय कुमार चाहे कितना भी मार्शल आर्ट्स में माहिर क्यों ना हो, लेकिन उनको भीड़ से कैसे बचाना है, शायद उनसे ज्यादा उनके बॉडीगार्ड ये बात अच्छे से जानते हैं। अक्षय अपने बॉडीगार्ड को सालाना 1 करोड़ 40 लाख रुपए देते हैं। नंबर 4, अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंधे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फॉलोइंग काफी ज्यादा है और उनके चाहने वाले हर जगह पर मिल जाते हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जितेंद्र सिंधे के ऊपर है। जितेंद्र को अमिताभ से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपया मिलता है। नंबर 3, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा को तो हर कोई जानता है। ये सिर्फ उनके बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि फैमिली मेंबर जैसे हैं, इसलिए शेरा काफी वक्त से सलमान के साथ हैं। शेरा को सलमान खान सालाना 2 करोड़ रुपया देते हैं। इसके अलावा शेरा टाइगर सिक्योरिटी फर्म भी चलाते हैं। नंबर 2, आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े। आमिर खान की सुरक्षा भी परफेक्ट हो, इसलिए उनका बॉडीगार्ड इस चीज का काफी ध्यान रखते हैं। इनको आमिर खान सालाना 2 करोड़ 10 लाख रुपया देते हैं। नंबर 1, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह। ये शाहरुख खान की 9 सालों से हिफाजत कर रहे हैं। ये शाहरुख के हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल होते हैं। रवि सिंह लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं, बजाय उसके कि बॉलीवुड के बॉडीगार्ड्स में रवि सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं। शाहरुख खान रवि को सालाना 2.6 करोड़ देते हैं। इनकी सैलरी सुनकर कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि काश वो इनके बॉडीगार्ड बन जाएं, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, आपको बॉडीगार्ड की सैलरी सुनकर कैसा लगा और आपको सबसे अच्छा बॉडीगार्ड किसका लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें। धन्यवाद।